हाय, वेलकम टू बॉलीवुड चलते चलते विद शशि वाडिया। पिछले हफ्ते मैंने कहा था कि इस एपिसोड में हम मद्रास की मेकिंग की बात करेंगे, मद्रास की एंट्री की बात करेंगे फिल्म मेकिंग में। 1909 में मद्रास की एंट्री हुई। वैसे ये रेस तो 1898 11 साल पहले शुरू हो चुका था, लेकिन मद्रास ने इतनी लेट एंट्री क्यों की? आप लोगों में से कोई कहेगा, अरे रा, इतना लेट एंट्री है। मैं कहूँगा, अरे रा, मत बोलो, आर 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 बोलो। आर 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 में मद्रास इंडिया के लिए ऑस्कर ट्रॉफी, ऑस्कर अवार्ड लेकर आ गया। कितना बड़ा सम्मान इंडिया को दिलाया उन्होंने, देर आए दुरुस्त आए। तो इसकी बात हम तब कहेंगे जब उस साल की बात आएगी, लेकिन 1909 में मिस्टर एस टी भास्करन ने विंस्टन कैमरा लिया, प्रोजेक्टर लिया, कुछ और इक्विपमेंट लिए और मद्रास जाके मद्रास फिल्म मेकिंग का श्री गणेश किया। अब सॉरी, मैं मद्रास मद्रास बोले जा रहा हूँ क्योंकि तब दो ही बात थी, मद्रास एंड नॉर्थ। तो बाकी लोगों के लिए मद्रास ही था, मतलब वहाँ के जो भाषा की अलग अलग वैरायटी हैं, तमिल, तेलुगु, मलयालम, कन्नड़, उन चीज़ों से नॉर्थ वाले वाकिफ नहीं थे। तो मैं फिलहाल मद्रास बोलूँगा। तो फिल्म मेकिंग में 1909 से मद्रास की फिल्म का श्री गणेश हुआ और उस श्री गणेश के साथ उसमें और नाम जुड़ने लगे, शिवाजी राव गणेशन, शिवाजी गणेशन, एम जी रामचंद्रन, एन टी रामाराव, मामूटी, मोहनलाल, रजनीकांत, कमला हसन, चिरंजीव, नागार्जुना और पुष्पा झुकेगा नहीं, शायद मस्कुलर पेन होगा नहीं झुकने के लिए, लेकिन उस पेन ने बॉक्स ऑफिस को बहुत कुछ गेन कर दिया। कोरोना से भागी हुई, कोविड से भागी हुई ऑडियंस पुष्पा में अल्लू अर्जुन खींच कर लेके आ गया। बहुत बड़ी हेल्प हुई इंडस्ट्री को। खैर, पुष्पा की बात भी हम पुष्पा के टाइम पे कहेंगे। तो तब से, मतलब 1909 से मद्रास भी छोटी छोटी फिल्म, क्योंकि तब दौर था छोटी फिल्म का बनाने में लग गया, लेकिन कहीं पे भी सेटिस्फेक्शन नहीं था। जिसे फिल्म कहें ना, फिल्म फिल्म जो लोगों को पकड़ के रखे, जकड़ के रखे, 2 घंटा बिठा के रखे, ऐसी एक्चुअल फिल्म कहीं पे भी नहीं बन रही थी। वो फिल्म जिसमें इमोशन हो, स्टोरी हो, डांस हो, म्यूजिक हो, ड्रामा हो, ग्रैंजर हो, मतलब कंप्लीट फिल्म। तो फर्स्ट कंप्लीट फिल्म 1913 में हुई, मतलब इंडियन फर्स्ट फिल्म, ओके, 1913 में हुई, 21 अप्रैल, यस। तो उस फिल्म का इतिहास बनाने वाले इतिहासकार का जन्म उससे 42 साल पहले, मतलब 1870 में 30 अप्रैल को बंबई से 150 किलोमीटर दूर नासिक नाम की एक जगह है, उससे थोड़ा दूर एक त्र्यंबकेश्वर नाम की जगह है, बहुत पवित्र धाम उसे कहा जाता है।
वहाँ पर एक सोमगिरी और ब्रह्मगिरी नाम की पहाड़ी है। कहते हैं कि उस पहाड़ी से महाराष्ट्र की गंगा गोदावरी प्रकट हुई है। तो हमारी फिल्म इंडस्ट्री की गंगा को प्रकट करने वाले भी उसी जगह पे प्रकट हुए, मतलब उनका जन्म भी वहीं हुआ, ढोंडीराज गोविंद फाल्के, दादा साहेब फाल्के। उन्होंने सब जानते कि इतिहास रचा। हम थोड़ा फिल्मी स्टाइल से बात करते हैं क्योंकि फिल्म के इतिहास की बात है ना। वीर सिंह राजेश्वर इतिहास बताता नहीं, इतिहास लिखता है, इतिहास बनाता है। सॉरी, मैं सौदागर की शूटिंग में घुस गया जब मैं राजकुमार साहब के साथ खड़ा था। तो हम फाल्के साहब की इतिहास की बात कर रहे हैं कि उन्होंने भी इतिहास बनाया, इतिहास लिखा। तो हम उस फिल्म के इतिहास की बात, इतिहासकार की बात नेक्स्ट एपिसोड में करेंगे करेंगे करेंगे। तो तब तक के लिए थैंक यू। बॉलीवुड चलते चलते विद शशि वाडिया।